टीवी एनआरआई देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ तुहाड़े नाल ही ना ईवनिंग बुलेटिन दे विच तुहाड़े सारयां दा एक बार फिर तो स्वागत है। खबरां दी शुरुआत करते हैं अज दियां मुख खबरां दे नाल। अंदोलन ते डटे किसानां ने पीएम नूं मुड़ गलबात शुरू करन लई लिखी चिट्ठी। अमृतसर दे एक निजी होटल दे विच लगी अग, अग लगन नाल होटल दा पूरा कमरा सड़के होया स्वाह। चक्रवर्ती तूफान यास 26 मई तक उड़ीसा च दे सकदा है दस्तक। डॉक्टरां दी लापरवाही करके एक होर व्यक्ति दी गई जान, जलंधर तो अमृतसर पहुंची लाश दा कीता जावेगा कल पोस्टमार्टम। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू अते होरां खिलाफ चार्जशीट कीती दायर। आओ नजर मार लैंदे हां कुछ विस्तार दे नाल इन्हां खबरां ते। सब तो पहला गल करांगे किसानां दी। किसान हुणे वी बॉर्डर ते डटे होए ने ते अपने हक्कां दी मंग केंद्र सरकार दे कोलों कर रहे ने। ते उत्थे ही किसानां दे वलों मुड़ गलबात शुरू करन दा सद्दा नरेंद्र मोदी नूं दिता गया है। जी हाँ, पीएम मोदी नूं किसानां दे वलों चिट्ठी लिखी गई है ते उन्हां कहा कि असीं गलबात दे लई राजी हाँ। कोरोना संकट के बावजूद किसान तीन खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण दे लई अंदोलन दे विच डटे हुए ने, पर महामारी दौरान वह अंदोलन छड्ड भी नहीं सकते ते किसी की जिंदगी नूं खतरे दे विच भी नहीं पाउणा चाहुंदे। इसे दौरान कल यानी कि शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं खेतीबाड़ी कानूनों बारे मुड़ गलबात शुरू करन दे लई एक चिट्ठी लिखी है। किसानों ने सरकार नूं 25 मई का अल्टीमेटम दे दिता है। चिट्ठी विच मोर्चे ने कहा है कि सरकार ने मुड़ गलबात करन, किसानों दियां मंगां मन्नन अते तीनों खेतीबाड़ी कानूनों नूं खत्म करन दे लई कहा है। उन्हां कहा कि लोकतंत्र होण दे नाते सरकार नूं परिपक्ता दिखाउणी चाहीदी है। इस चिट्ठी विच किसान मोर्चे ने कहा है कि 26 मई नूं दिल्ली दियां सरहदां ते साडे अंदोलन दे 6 महीने पूरे होणगे। इस समय दौरान असीं अपना संघर्ष जारी रखिया है। सरकार भी इस दिन अपने 7 साल पूरे करेगी। किसान जथेबंदियां इस दिन नूं काला झंडा दिवस वजों मनाउणगियां। किसान मोर्चे ने कहा कि सरकार नाल मीटिंगां दे 11 दौर होए ने, इस दे बावजूद अंदोलनकारी किसानां दियां मंगां नहीं मनियां गईयां। सरकार ने 22 जनवरी 2021 तो बाद गलबात दे दरवाजे बंद कर दिते अते उन्हां कहा कि अंदोलन दौरान कई किसानां दी जान भी चली गई है। नाल ही इस पत्र राही सरकार तो उन्हां ए भी मंग कीती है कि ओह अपनी सारी ताकत अते साधनां नूं कोरोना दी लड़ाई विच लगाउण, क्योंकि हुण इह पिंडां दे विच वी फैल रिहा है। सारे लोकां नूं 6 महीनों के अंदर मुफ्त वैक्सीन मुहैया करवाई जानी चाहिए है। लोड़वंद लोगों को राशन मिलना चाहिए है। सारे कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाना चाहिए है। यह सब संभव है जो राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। सो दस दिए कि अंदोलन च डटे किसानों ने पीएम नूं मुड़ गलबात शुरू करने के लिए चिट्ठी लिखी है। ब्यूरो रिपोर्ट दी टीवी एनआरआई। रुक करते हैं अगले खबर वालों। गल करांगे अमृतसर दे जिथे शॉर्ट सर्किट होने के कारण भयानक अग लग गई। जी हाँ, दस्या जा रहा है कि होटल चैक इन होने तो बाद ही शॉर्ट सर्किट के कारण जिहड़ी है कमरे दे विच अग लग गई ते कमरे का सारा समान ही सड़ के सुआह हो गया। सचखंड श्री दरबार साहिब दर्शन करने वास्ते लखां की गिनती च श्रद्धालु अमृतसर पहुंचते ने अते सचखंड श्री दरबार साहिब के नेड़े होटल दे विच रह के अपना रात का समा गुजारते ने। उत्थे जेकर गल कीती जावे अज दी तां अज सचखंड श्री दरबार साहिब के लागे माणा सिंह रोड स्थित एक होटल के कमरे में शॉर्ट सर्किट होने करके अग लग गई, जिस तो बाद फायर ब्रिगेड की गड्डियां वालों लगातार ही अग ते काबू पाने की कोशिशां जारी ने। उत्थे होटल के मालक की मन्नी जाए तो होटल चैक इन होने तो बाद कुछ समय बाद ही उस कमरे के विच अग लगी और कमरा पूरी तरह के नाल सड़ के सुआह हो गया। हालांकि इस हादसे के विच किसी तरह का जानी नुकसान नहीं होया, पर होटल का कमरा पूरी तरह के नाल सड़ के सुआह हो गया। आओ जानते हैं इस बारे जानकारी देंदे हैं होटल के मालिक का की कहना है। 108 नंबर रूम सी साडा, गेस्ट चेक इन होए दे विच ते थोड़ी देर बाद गेस्ट बाहर चले गए ते थोड़ी देर बाद साडा अलार्म लगा ते जाके साडे मेंटेनेंस चार्ज ने देखिया कि उत्थे अंदर पटाके वजने आवाज आ रही है। उन्हें इमीडिएटली खोलिया ते सब तो पहला सारे गेस्ट नूं बाहर कढ़िया जिन्हें भी साढ़े होर कमरे लगे हुए सी ते उस तो बाद फायर एक्सटिंग्विशर यूज किए गए हैं ते रूम्स नूं बंद कर दिता गया ताकि ऑक्सीजन अंदर जाए ना ताकि अग फैल ना सके। ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੂਮ ਚ ਸੀ, ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ, ਔਰ ਗੈਸ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਜਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ। ਸਾਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰ, ਹੋਟਲ ਕੂ ਦੈਟ ਸਟੇਜ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਰੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਇੱਕ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਰੂਮ ਸੜਿਆ ਸਰ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਬੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਟੋਟਲੀ। ਕਿਆ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ? ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਹੀਗਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਅੱਗ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ TVNRI। ਮੌਸਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 26 ਤੇ 27 ਮਈ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਯਾਸ ਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਉਹ 26 ਤੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 'ਚ 26 ਤੇ 27 ਮਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਵਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਯਾਸ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਮੱਧ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਚ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਤੌਤੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਚਾਵ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ NDRF ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨ ਲਈ NDRF ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਤੌਤੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 101 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਸ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦ TVNRI। ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੰਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਊਂਸਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਵਜੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਭਾਅ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਬੀਰ ਔਲਖ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਬੀਰ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਬਰੀਫ 'ਚ ਦੱਸਤੀ ਆ।
बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगा भी देखो सारा कुछ होने तो बाद डॉक्टर ने इन्हों खराब किया जे जो भी हो गया ही डॉक्टर चाहिए जो इन्हों का पोस्टमार्टम उत्थे कर देंगे तो पोस्टमार्टम जो आप नहीं करना तो कह देंगे अमृतसर भेज देंगे तो ये प्रशासन की तो डॉक्टर की इन्नी नलैकी है भी इन्होंने इन्ना समा खराब करने तो बाद सानू इन्हों अमृतसर भेजा तो जिन्ने चिर अमृतसर पहुँचे 5 बजे तक सारा समा 5 बजे तक हुंदा जी पोस्टमार्टम हुण तुसीं देख सकते जी सारा कुछ बंद हो गया इन्हां विचारियां नूं उत्थे भी खराब किया गया तो इत्थे भी हरासमेंट पूरी मिल रही है इत्थे नहीं मेरा इन्हां दे नाल एक इंसानियत का रिश्ता है जी मेरा तुसीं कह लो भी सज्जनता ही कह लो या मित्रता कह लो पर मैं तो एक इन्हां दी जगह दे कोई भी परिवार हुंदा जी साडे तक गल पहुंचदी इह गुरु नगरी है जी गुरु साहब का शहर आ तो साढ़े शहर के किसी भी बंद किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो आप वध चढ़ के साथ देवे तो मोढ़े का मोढ़ा ला के साथ देवे मैं जी यही मैसेज देना चाहना भी ये साड़ी जी गुहार है सीएम साहब तक पहुँची जाए क्योंकि व्डिया मगरमच्छा व्डे बंदे ही हाथ पा सकते हैं साढ़े कहण कमा कुछ भी नहीं होना मैं तीन सब भावें सू पुछ भी रहे हो जो पर अं बेनती फिर भी करते भी यहोजे डॉक्टर यहोजे प्रशासन को कोई पनिशमेंट दिती जाए भी जिहड़ा अगे तो डॉक्टर डरन पहले समय के डॉक्टर वाकई डॉक्टर होंगे ही पर अजकल के समय जो तुम देख ही रहे हो कि चल रहा कसाई तो बदमाशी पूरी चल रही है एक परिवार की कर सकता वा जिन्हों का जिदा जी चल गया वा की कुछ नहीं कर सकता वो एक रौला पा सकता गल तो रौला पाने वाले तो नहीं है गल रौला सुनने वाले तो है दूजे पास पुलिस अधिकारियों का इस मामले बारे की कहना है यह भी जरा सुनो ये ना कल डॉक्टर के दसने मुताबिक अमित कुमार जिहड़ा मुंडा सी ना 33 साल की उम्र सी एक कोविड पेशेंट सी वह कहिंदे पर इहदे जिहड़े वारस सी परिवारक मैंबर सी वह कहिंदे भी डॉक्टर की नगलीजेंसी नाल इहदी डैथ हुई आ तो उत्थे फिर कल साडा प्रशासन होया ही इकट्ठा तो इन्हां दे परिवार नूं भरोसा दवाया है भी उहदा डॉक्टरां दे बोर्ड तों जिहड़ा ना पोस्टमार्टम करवा के तो जे उह पोस्टमार्टम दे विच कोई डॉक्टर साहब की नगलीजेंसी आउंदी आ तो वो खिलाफ़ जी बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी ये खांबड़ा है जी डॉक्टर मान मैडी सिटी हॉस्पिटल ये खांबड़ा जलंधर जी हाँ जी जलंधर अमृतसर आना पै गया ये सवेरे असं लैके गए हाँ जी उत्थे सिविल हस्पताल जलंधर उत्थे उन्होंने जेडे मैडिकल सुपरिटेंडेंट ही उन्होंने बोर्ड बनाया ही डॉक्टर का जी भी तुम ये पोस्टमार्टम करो फिर वो बोर्ड की जो ड्यूटी लगी फिर वो डॉक्टर ने मीटिंग की मीटिंग करने तो बाद उन्होंने सानू एक लैटर बनाता कि साढ़े को इन फैसिलिटियां नहीं है यदा इतने अमृतसर उन्होंने फिर 3 बजे तो बाद अमृतसर रैफर करता जी सू अमृतसर आना अमृतसर तो मुकेश मेहरा की रिपोर्ट के नाल दी टीवी एन आर आई हुण गल करांगे दीप सिद्धू दी दीप सिद्धू अते 15 होरां ते चार्जशीट दायर हुई है दस दिए कि दिल्ली पुलिस के वलों लाल किला हिंसा मामले दे विच चार्जशीट दायर की गई है कि है पूरा मामला आओ जानते हैं किसान ट्रैक्टर रैली दौरान लाल किले ते हुई हिंसा के मामले विच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 30,000 अदालत विच ड्यूटी मैजिस्ट्रेट साहिल मोंगा अगे 3,000 सफ़ियां की चार्जशीट दाखिल की है चार्जशीट च अदाकार दीप सिद्धू अते होरां दे नाम भी शामिल किए गए ने मुलाजमान वालों दिए गए बयान अते हिंसा नाल जुड़े सबूतों नूं चार्जशीट का आधार बनाया गया है तां दस दईए कि चार्जशीट च दोष लगाया गया है कि लाल किले विच भन्न तोड़ लई प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस अते किसान आगुआं विचाले 3 मार्गां तों ट्रैक्टर रैली कढ़न लई होए समझौते नूं तोड़न दी पहलां तों सोची समझी साजिश ते चंगे तालमेल नाल योजना बनाई सी पुलिस वालों इकबाल सिंह के नाम का भी जिक्र किया गया है जो फेसबुक से लाइव होया सी अते उसते प्रदर्शनकारियों नूं भड़काउण दा दोष लगाया गया है शिकायत विच दोष लगाया गया है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस मुलाजमान का पिछा करके उन्हां ते हमला भी किया उन्हां कोल मौजूद लाठियां अते होर समान नूं लुट लिया गया ते एक टॉयलेट विच बंद कर दिता गया पुलिस अनुसार दीप सिद्धू इकबाल सिंह अते महिंदर सिंह खालसा सने 16 विचों 13 दोषी जमानत ते हन जदकि 3 होर दोषी मनिंदर सिंह खेमप्रीत सिंह जबरजंग सिंह हजे भी कानूनी हिरासत विच हन पुलिस सूत्रां ने दस्सिया कि जेकर मामले की जांच दौरान होर सबूत सामने आउंदे पूरक दोष पत्र दाखिल कर सकते हैं अदालत के सूत्रों के अनुसार मुख मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह नागर 28 मई को चार्जशीट के नोटिस लैन से बिंदु के मामले की सुनवाई करेंगे ब्यूरो रिपोर्ट टीवी एन आर आई सो ऐसा सन अज दिया कुछ खास खबर अजय ही खबरों के लिए जुड़े रहो कैनेडियन मीडिया की टीवी एन आर आई के नाल